अभी तो बहुत लोग ऐसे हैं जो नोट्स लेके पढ़ लेते हैं, बट आई थिंक उसका कोई पैरेलल नहीं है सर, द कॉन्वर्सेशंस। एक्चुअल में जो आपका मोटिव है, यू हेल्प स्टूडेंट्स इन रियलाइजिंग देयर मोटिव। आई केम व्हेन आई ज्वाइंट कोचिंग, आई इंटरेक्टेड विद सम ऑफ माई सीनियर्स एंड दे सजेस्टेड दैट यू नो यू शुड गो फॉर इट। सो उसके बाद जब आया तो आई वुड से जो एक फिनिशिंग देनी होती है ना एक मोटिव को, अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि प्रिपरेशन को तो ए टू जेड आई वुड से इट वॉज योर कॉन्ट्रीब्यूशन सर, बट द फिनिशिंग ऑफ मोटिव इट सेल्फ वो यहाँ से मुझे मिला। गवर्नमेंट में बहुत कम ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं जिसमें आप इतना डायरेक्टली सोशल सर्विस कर पाते हो, इनडायरेक्टली ही होता है नॉर्मली। तो आई थिंक इट्स अ डायरेक्ट फॉर्म ऑफ सोशल सर्विस, और वो सोच के चलो तो एक मोटिवेशन अलग हो जाती है। देन यू स्टार्ट अटैचिंग इम्पोर्टेंस टू इवन दोज एरियाज जो बच्चों को लगता है कि यार ये अनइम्पॉर्टेंट है, बिकॉज उसके बाद ये हो जाता है कि आपको लगता है कि जिस दिन मैं बनूंगा, यू स्टार्ट थिंकिंग लाइक अ जज आफ्टर दैट मोमेंट। और वो भी अपने आप में एक ज़रूरी है, सिर्फ ना सिर्फ एथिक्स के लिए बट नॉलेज वाइज भी। अब मुझे याद है सर, वेन यू यूज टू टीच प्रोसीजर, अब CRPC में CPC में बहुत बार ऐसा होता है कि आप कुछ प्रोविजन्स पे बताते हो कि ये प्रोविजन आई एम टीचिंग यू दिस वन, दिस यू डू डू ऑन योर सेल्फ बिकॉज कनेक्टेड है। और मुझे रियलाइज़ हुआ दैट दूसरों का नहीं पता, आई नो अ फ्यू पीपल जो मेरे दोस्त मेरे साथ में तैयारी करते थे, नॉर्मली बच्चे स्किप कर जाते हैं उनको। हाँ, इफ यू इफ आई डू नॉट यस टेक इट यस देन या सो वो थोड़ा सा जो खुद का एफर्ट है वो उस पे शायद से बच्चे थोड़ा सा ना लेजी हो जाते हैं, आई वुड से। तुम कर लेते थे? हाँ सर, आई हैव गॉन थ्रू दी एंटायर CPC एंड एंटायर CRPC आई थिंक एटलीस्ट 15 टाइम। तो वो, और मुझे एक बात रियलाइज हुई सर, जो प्रोविजंस डायरेक्टली क्लास में डील नहीं भी हो रहे थे उनको मैं समझ पा रहा था, बिकॉज जो क्लास में डील हुआ था जो पार्ट वो उस तरीके से आपने समझा दिया था कि रेस्ट ऑफ द पार्ट वॉज ईजी टू अंडरस्टैंड, वरना खुद से अगर मैं बाकी का पार्ट करता तो नहीं समझ आ पाता। बिकॉज प्रोसीजर में स्कीम समझना ही सबसे बड़ा चैलेंज है कि आपको शुरू कहाँ से करना है। CRPC में तो स्टिल मुझे ऐसा लगता है कि शायद से आप 1 से लेके 484 तक पहुंच जाओ तो शायद कुछ ग्रास्प कर लोगे, CPC में तो बिल्कुल नहीं कर पाओगे। सो उस पे मुझे रियलाइज हुआ दैट कॉलेज में अभी तक मैं कर क्या रहा था, आई नेवर न्यू दैट यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम हियर। ये कॉलेज का जो सिलेबस लिमिटेड होता है, सिलेबस भी लिमिटेड होता है, दे गो अकॉर्डिंग टू देयर कोर्स करिकुलम। यस, वी विल बी आस्किंग यू क्वेश्चंस इन हिंदी। सो उन्होंने एग्जैक्टली ये बोला, एंड ही वाज नॉट अ जज। तो इन माई पैनल देवर 6-7 पीपल दैट डे। सो उन्होंने बोला कि ही वॉज स्माइलिंग, ही वॉज वेरी स्वीट अबाउट इट। उन्होंने कहा कि आपसे हम आज कानून की धाराओं का ज्ञान हिंदी में लेंगे। तो उन्होंने इस तरीके से इंटरव्यू मेरा स्टार्ट किया। मेरे को थोड़ा सा आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर इट ऑनेस्टली, बिकॉज लॉ पूरा इंग्लिश में पढ़ा है। और उन्होंने मुझसे सेक्शन 133 इंडियन एविडेंस एक्ट, अकम्प्लिस एविडेंस के बारे में हिंदी में पूछा। तो अकम्प्लिस वर्ड को भी हिंदी में ही बोला, पूरा हिंदी में उन्होंने सेक्शन 133 पढ़ा। और उन्होंने कहा कि इसके विषय में आपको क्या कहना है, आपकी क्या समझ है इस धारा को लेके। तो मैंने कोशिश की हिंदी में, मैंने उन्हें बताया, थोड़ी देर उनके साथ इंटरेक्शन रहा। देन एन ऑनरेबल जज टुक ओवर फ्रॉम हिम। तो उन्होंने फिर उसी क्वेश्चन को नॉर्मल, उसमें इन नॉर्मल लैंग्वेज, ही वॉज ऑल्सो इंटरेक्टिंग इन हिंदी एंड इंग्लिश मिक्स। तो देन इन नॉर्मल लैंग्वेज द इंटरेक्शन स्टार्टेड। सो आई वॉज आस्क्ड ऑन अकम्प्लिस एविडेंस, एंड अकम्प्लिस एविडेंस के बारे में पूछ के देन दे आस्क्ड, इज देयर अ स्पेसिफिक इलस्ट्रेशन इन इंडियन एविडेंस एक्ट विच इज काइंड ऑफ एन एक्सेप्शन टू द सेक्शन 133। सो आई रिमेंबर्ड यू हैड वेरी एक्सप्लिसिटली डिस्कस दिस इन क्लास, इलस्ट्रेशन इन 114, द रूल ऑफ प्रूडेंस। सो आई एलैबोरेटेड अपॉन दैट, आई सेड सेक्शन 133 वुड बी अ रूल ऑफ लॉ, बट द इलस्ट्रेशन इज अ रूल ऑफ प्रूडेंस, एंड नाउ प्रूडेंस इज जनरली फॉलोड। सो ऐसे करके दिस डिस्कशन स्टार्टेड, एंड told me that you know difficulty ho jayegi so they told me that difficulty ho sakti hai preparation mein, don't do it. I would say I did an experiment on myself and I believed in it, and it's all about you. Sabka schedule alag hai. 6 hours for me may not work for you, maybe you need 10 hours, somebody might just need 4 hours, it's totally up to them. And you have to build up your own process. Do not listen to others, listen to the teachers. They are giving you ample guidance. I would say, when you are low, speak to Krishna sir. He will tell you what to do. He will tell you what not to do also. And I think a very important part of preparation is to understand what not to do.